पर भाई जोश में आगे ठोक दिया मुझे। सब मांडोली क्या करते भी देखते यार, ये टेंशन आ गया यार अभी। अब क्या करे चेरी। व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स वंस अगेन। और ये व्लॉग काफी कंफ्यूजन में स्टार्ट हो रहा है। कंफ्यूजन इस चीज का कि कहाँ पे जाए। ऐसी कड़कती तड़पती तड़कती धूप में हमने सोचा था सिंहगढ़ जाए, उसके बाद सोचा स्नेक पार्क जाए, उसके बाद सोचा मूवी को जाए, उसके बाद सोचा ग्रोसरी कर ले भर ले, उसके बाद फिर घूम फिर के बात आई चलो कार देखने चलते। मीन्स अभी इस टाइम आ गया है साल का, वो साल टाइम आ चुका है। दो दिन से कितना अच्छा क्लाइमेट था और आज देखो। दो दिन से बहुत सही क्लाइमेट था, हमने सोचा कहीं तो घूम के आएंगे, बट आज घूमने निकले तो ऐसी धूप है। संडे सनी मॉर्निंग आफ्टरनून सॉरी। तो फिलहाल तो हमारे प्लान दिमाग में दो तीन कार के ऑप्शन चल रहे हैं। तो अभी पहले कौन से शोरूम चल रहे, एनी आइडिया? चलो थार देखेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ थार लेते यार, थार लेंगे तो अलग ही वाइब है। बट पापा का जान है ना, किया में अटकी हुई है। किया क्या थार? जो शोरूम नजदीक भाई, ये ऐसी चल रहा है मजाक। हमारी ये कार ही अच्छी है, अभी सिर्फ हम देखकर आते हैं। अगर अच्छी लगती है मम्मी को, मम्मी पे डिपेंड रहता सब, क्योंकि ये वाली ये हमारी थर्ड या फोर्थ कार थी। एस्टीम जेन एस्टिलो एंड ये दे ये इसके बाद ये, तो ये मम्मी के पसंद के कार थे सब। मम्मी को हर चीज का भी दया आ रही है ना कोई यार। होंडा नहीं ना, होंडा कुछ खास नहीं चल रहा है होंडा का फिलहाल, डग मगा रहे। ये होंडा का जो हुंडई की फिर वेन्यू देख सकते हैं, और फिर वो कौन सी क्रेटा देख सकते हैं। क्रेटा न्यू आई ली तो अभी अच्छा। चलो तो हम प्लान बनाते हैं, अभी हम हड़पसर में ना, तो नियरेस्ट शोरूम कौन सा होगा, जो पहला शोरूम आएगा वो वाली कार दिखाते, फिर डिसाइड करते, कोटेशन निकालते, बजट में जो बैठती है या बजट के बाहर भी थोड़ी ले जाने बोलते पापा। चलो देखते जो भी है जैसा भी, लेट्स गो। रेगुलर वहाँ पर बात कर रहे थे, तो अभी देखो क्या हो चुका है हमारे कार के साथ। नजर लगी, शायद ये कार को हम नहीं चाहते कि ये हो, तो ये पूरा डेंट गिर चुका है यहाँ पे। ये भी बेंड हो गए। हमारा चल रहा था विल चेंज द कार, बट ये कार गिरे जा रहे थे और ये कार बुरा मान गया। अभी पापा उनसे बात कर रहे, पूरा सब मांडोली क्या करते भी देखते यार, ये टेंशन आ गया यार अभी। अब क्या करे चेरी यार, पापा ये कार बहुत क्लोज है हमारे। कुछ नहीं हुआ है, ये एक थोड़ा सा हो गया, यहाँ दो डेंट है और ये बाहर आ चुका है। तो अभी पापा उनसे वही बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पूरे पेपर वगैरह चेक हो रहे हैं, पूरा फोटो ले रही है, पूरा कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं, केस करने वाले भाई हम इनके, क्योंकि ये पूरा देखो ना, पूरा कार का शेप ही चेंज कर दिया इन्होंने। बहुत हो गया तुम्हारा नई कार पुरानी कार का ख्याल रखो पहले। नहीं बट यूनिवर्स इज स्टीलिंग, सच में नई कार लो। राइट क्या बोल रहे हो आप? अलग ही लेवल का चल रहा है भाई। देखो सिग्नल लगा, ब्रेक नहीं लगाएंगे हम, सिग्नल लगा, मैंने ब्रेक लगाया, उसने पीछे से आके पूरी ठोक दी गाड़ी। और पुलिस वालों अंकल को भी सब पता है कि हमारी साइड से, मतलब हमने कुछ गलती की नहीं, सिग्नल हमने एक्चुअली फॉलो किया, जो रूल्स है ना फॉलो किए हमने अच्छे से, इसलिए वो हमें कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं जो बोल रहे आप ही राइट है, सिग्नल लगा तो ब्रेक लगाएगा आदमी। और वो बोल रहे भाई कभी भी बड़े वाले गाड़ी को ही पकड़ते हैं, ऐसा ही करते हैं वैसा ही करते हैं। तो हमने सिंपल डायरेक्ट पुलिस कंप्लेन कर रहे, वो भाई पीछे गाड़ी ठोकी है उसके हमारे को खर्चा है कुछ, हमने कॉल लगा पूछा, एक 8,000 से 10,000 का खर्चा आएगा। हमने बोला चल छोड़, आधा खर्चा दे दे, 4,000-5,000 दे दे एंड छोड़ दा। बट वो मान ही नहीं रहा, बोल रहा नहीं ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। तो हम बोले ठीक है, कंप्लेन करते, पुलिस वाले अंकल बोले ठीक है तुम डायरेक्ट कंप्लेन दो कि हमको डायरेक्ट जीवे मारने, मतलब जान से मारने का ऐसा उसका इंटेंशन था, तो दैट्स व्हाई ऐसे ऐसे ऐसे। तो अभी वही कर रहे, अभी वेट कर रहे पुलिस की, जो मेन आ रही है, जो वो कार होती है वो कंट्रोल रूम से आ रही है, तो देखते अभी क्या होता है यार। माइंड था ना सब, बहुत कंफ्यूज माइंड था यार। आ रहे थे फिर फाइनल कार देखने जा रहे थे हम, और आज यही बहुत बहुत डेंजर हो गया। अभी ये कार देखने जाने का कहने, अभी अब क्या देखने तो जाएंगे ना भाई, वो तो जो करना है वो तो करके रहेंगे ना। अभी पापा रुके, भर में भी रुकता हूँ पापा के साथ जाके।
अच्छा बनना भी, अच्छा बनने पे भी बुरा होता है हमारा। आज मैं अच्छा बनने की कोशिश की, मतलब मैं अच्छा ही हूँ, सिग्नल पे रोकाने की कोशिश, सिग्नल फॉलो किया मैंने, भाई रुका ली गाड़ी, पर भाई जोश में आगे ठोक दिया मुझे, फुल पीछे का पूरा क्रैश हो चुका है। मतलब अभी आप बताओ, अच्छा बनना जरूरी है या बुरा बनना चाहिए? मैं थोड़ा कंफ्यूज अभी लाइफ के बारे में। अभी पापा का वही चल रहा है, रुके पापा। ऐसा कभी नहीं हुआ था, लास्ट 2 मंथ से कार का ही कुछ ना कुछ निकल रहा है यार। हाँ ना यार, तेरा भी अभी लास्ट मंथ एक्सीडेंट हुआ, कार का जो वो हमारा वो टायर बर्स्ट हुआ था वो भी, ये सब 1 महीने के अंदर हुआ है। ये कैसे हुआ है पता नहीं यार, शायद ये यूनिवर्स साइन दे रहा है, गेट अ न्यू कार। अब इनको थार है ना ऐसी रोड पे दिखानी पड़ रही है, देखो देखो थार जा रही है। क्या एक्सपेक्टेशन थे, हम शोरूम में जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से देखेंगे बैठ के कंफर्ट लेवल वगैरह, बट भाई साहब ये तो अलग ही लेवल का हमारा एक्सपीरियंस चल रहा है। बट कोई ना, तुम नए कार कर रहे ना, तो बुरा मान गए मेरे का। सॉरी कार, हम आपको रखेंगे फिर नई कार लेंगे, ऐसे नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, आप साथ में ही हो हमारे। थार आ रही है रेड कलर की, बहुत कॉमन है भाई। भाई शान देखो, गाड़ी की शान देखो, बिल्कुल नहीं बटली लग रही है। सही है यार, आई वांट दैट, आई वांट, मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे तेरे को क्या खराबी है उसमें, क्या खराबी लग रही है? नो थार गाइस, कैंसिल, प्लान आज कैंसिल, अभी शोरूम में नहीं जाना। ए चुप, अचानक गाड़ी जर समजा ती 40 ने पळती, तिथे पाठी ही गाडी 40 ने पळती, अचानक यांनी ब्रेक मारले, मी काय करणार? अचानक कशी गाडी, अचानक मारलं ना सर, एवढी गाडी की मी ब्रेक मारत आहे। अचानक कधी म्हणतात माहिती का, अचानक कधी म्हणतात, इतना आला नाही तो थांबलो, सिग्नल आहे ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अभी कुछ नहीं। तो अभी हम निकल चुके हैं, तो हमको बहुत दया आ गई, तो हमने बोला जान दो, अभी क्या कर सकते, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में हम वो करके ले लेंगे, बना लेते, वो भी ड्राइवर था यार, वो भी और सेवक है, उसकी भी पगार है। राइट राइट राइट, तो हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा था, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा था, जाने दिया बोल। बट इसमें सबसे अच्छी चीज मैंने क्या देखी, जो पुलिस, जो हमारे ऑफिसर्स है पुणे के, भाई क्या मतलब मैं फैन हो गया उनका यार। मतलब उन्होंने इतना अच्छा हेल्प किया, दोनों पार्टी को हेल्प किया, कि मींस अगर तू ऐसा करता है, उसको भी बहुत समझाया, जो है इनका हेल्प कर, ये कर, वो कर, हमें भी, हमारी तो कुछ गलती नहीं, तो हमारे साइड से ही थे वो, बिकॉज भाई सिग्नल पे रुकना, कितने भी फास्ट हो, सिग्नल पे रुकना है तो रुकना ही है। अभी मैंने रोकाया, उसने आगे पीछे से ठोक दिया, अपनी कुछ गलती होती नहीं, वो भाई सौ बीगल क्या उड़ा है, तो पापा अभी आगे क्या, अभी ये इतना। लेकिन ऑफिसर के साथ मैं खड़ा था कुछ देर के लिए, बातचीत हो रही थी, तो उसने बहुत सारे मेरे को सीन बताया, सिग्नल के आपको, तो सिग्नल पे देखो कैसा हो रहा है सर, देखो हम यहाँ खड़े रहते, हम सब देखते रहते, तो उसने ऐसा बताया कि जो अगर आप जोर में हो और सिग्नल लग गया तो इमीडिएटली आप कभी कभी रुको मत, ऐसा बोला है, बिकॉज पीछे वाला आके धड़कता है और आपको तकलीफ हो सकती है, उसका एक्सीडेंट, ओके ओके, इंजरी हो सकती है। तो बोला हम वैसे लोगों को ना अर्जेंटली छोड़ भी देते हैं, उनको पकड़ते हैं। ओके, सो पूरा जो ऐसा पर्पसली जो सिग्नल तोड़ रहा है ना, उसको छोड़ते नहीं। ओके ओके, सो पूरा कंक्लूजन क्या है, सिग्नल फॉलो करो, स्पीड कंट्रोल करो, हाँ। गाड़ी टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहो। अभी वो बोल रहा था मेरे ब्रेक्स नहीं चल रहे, भाई उसकी पहली गलती उधर ही हुई, तू तेरे ब्रेक्स नहीं चल रहे और तू गाड़ी लेके निकला है, भाई पहले तो उसको वहीं पे उन्होंने क्रॉस किया। तो अभी मैं भी संभाल के चलाता हूँ, ब्लॉगिंग कम करता हूँ, गाड़ी चलाते टाइम। अभी पापा किधर, चलो थार देखी यार, इनका इनको दिखाया मैंने थार, बट फिर भी नहीं, फिर भी बहुत देखते हैं क्या हो, नहीं नहीं, स्कॉर्पियो इज ऑल्सो, गाड़ी कहीं बने देगा थार, वहाँ रेड वाली थी, क्या कमल की थी भाई साहब, वो पीछे मोरिस गैरेज भी आ रही है क्या, वहाँ भी चले, नहीं वहाँ देखते अभी भाई। ऐसा कुछ होता है ना, छोटा सा बुरा होना कुछ बहुत अच्छा होने वाला रहता है, ये मैंने हमेशा नोट किया। अभी ये बुरा हुआ है ना, अभी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेट्स गो। सफरनामा सवालों का, जो टॉप मॉडल जिसमें सनरूफ है, उसमें 6 to 7 lakhs का फर्क है। मतलब आपको, हम पहुंच चुके हैं MG Hector के शोरूम में, ये हो रहा है, प्रोटेक्शन हो जाता है, और फॉग लैंप्स आपको दिए जाते हैं, डियर एंड